सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग बनकर तैयार हो गई है। इससे बनने से जहां LAC पर रसद पहुंचना आसान हो जाएगा, वहीं लाहुली घाटी को बर्फ की कैद से छुटकारा मिल जाएगा। इस बार की बर्फबारी और 13,050 रोहतांग दर्रा अब किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। पिछले 10 सालों से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में BRO की देखरेख में एफकॉन स्ट्रॉबैग बस मेक कंपनी 12 महीने 24 घंटे इस महत्वपूर्ण सुरंग को पूरा करने में जुटे हैं और दूरी कम करने के साथ साथ साल में 6 महीने देश व दुनिया से कटी रहने वाली कवायली घाटी अब साल भर जुड़ी रहेगी। टनल के दोनों छोर मिलने में लगभग 8 साल का समय लग गया। BRO अटल रोहतांग टनल के चीफ इंजीनियर विशेष सेवा मेडल प्राप्त KP पुरुषोत्थमन ने बताया कि यह टनल 3200 करोड़ में बनकर तैयार हुई है। उन्होंने कहा कि यह टनल ऊंचाई में बनने वाली दुनिया की पहली टनल है। अटल टनल का निर्माण करना BRO के लिए भी गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 3.5 किलोमीटर अंदर आया और हमारा ये फर्स्ट था, हमारा 7th नंबर एग्रेस कड़ी है जहाँ से हम नीचे आए, तो हर 500 मीटर पे ऐसे एग्रेस कड़ीज हैं और ये एग्रेस कड़ीज हमारे को एस्केप टनल में लेके आते हैं। ये जो एस्केप टनल है, ये एस्केप टनल यूज होगा कोई भी एक्सीडेंट्स होने से, इंसिडेंट्स होने से टनल में, ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन के टाइम पे क्या इंश्योर होगा कि यहाँ का जो प्रेशर है ये एक प्रेशराइज केबिन की तरह होगा, जिससे कोई भी स्मोक ऊपर होता है वो इधर अंदर नहीं आ पाएगा एंड कोई भी धुआं है, आग है, वो इन टनल में नहीं आएगी। लोग नीचे उतर के आएंगे और नेक्स्ट 500 मीटर सेफ्टी की तरफ चलेंगे, ऊपर आएंगे और रेस्क्यू व्हीकल से रेस्क्यू होंगे। ये जो पूरा सिस्टम है हम लोग कंट्रोल करेंगे हमारे एक स्मार्टली कंट्रोल्ड कंट्रोल रूम से, जिससे हमको पता चलेगा पर्टिकुलर जगह पे आग लगी है, कोई इंसिडेंट हुआ है, उस जगह पे भी हम PA सिस्टम से या फिर फ्रीक्वेंसी से लोगों को बता पाएंगे कि आपको गाड़ियां रोकनी है, आपके नियरेस्ट कौन सा EAC है, एग्रेस कड़ी है, उस तरफ उनको हम गाइड करके लेके जाएंगे रेस्क्यू टीम्स के साथ एंड फिर उनको नेक्स्ट 500 मीटर्स के अंदर वी विल टेक देम आउट फॉर टू अ सेफ पैसेज एंड उनको टनल से बाहर निकाल पाएंगे। इनके लिए तो जैसे मैं कहता हूँ आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अभी यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ बॉर्डर में ये मतलब इतना ब्यूटीफुल सीन है, तो इसके आसपास इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाने वाली हैं और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि यहाँ पे कुछ पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा करें। अभी तक हम देखते आए हैं कि मनाली को बहुत ज़्यादा विश्व में माना जाता है कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन इस टनल की वजह से इस जगह अभी बहुत अच्छा का छोर है ये, लगभग साल में 5 से 6 महीने तक बन जाता है। जब हमें बर्फबारी होती थी तो यहाँ से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको शिफ्ट करके बाया रोहतांग टॉप हमको साउथ पोर्टल लेके जाना पड़ता था, तो और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम ओवर पड़े थे वो 2 किलोमीटर है, जिसके कारण काफ़ी बार रॉक बस जैसी एक्सीडेंट भी आए टनल में। और इसके बाद अगर आप देखेंगे शेरगाला, जो आउट ऑफ दिस 10 ईयर्स 4.5 ईयर्स जो का टाइम था वो बाकी 8.5 किलोमीटर का काम करने में लगा, और जो बाकी के आप 4 साल लगा लीजिए वो 587 मीटर्स हमको क्रॉस करने में लगे। तो ये और उसके अलावा रास्ते में आपने भी देखा होगा मोस्ट प्रॉब्ली एवलांचेस का यहाँ पे खतरा रहता था रास्ते पेश आता है। तो ये आप मान के चलिए कि मतलब कि इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी आपने एज ए आशा है कि आगे जो भी ऐसा चैलेंजिंग काम BRO को दिया जाएगा वी आर डेफिनेटली टेक इट ओवर। कुल्लू से धनेश गौतम की रिपोर्ट।